तो चलिए चलते हैं, मेट्रो पे चलते हैं, दिखाते हैं भाई पहली बार हम भी बैठने वाले हैं, बाकी क्या एक्सपीरियंस रहता है वो सब हम आपसे शेयर करेंगे। बाकी लाइक करना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब एंड फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं एक बहुत ही बड़ी जर्नी के लिए जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं अभी? हम एक्चुअली यहाँ से दिल्ली जाएंगे, पर हम दिल्ली से फ्लाइट है हमारी 2:15 के अराउंड, और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे बागडोगरा, बागडोगरा से फिर जाएंगे गैंगटॉक, गैंगटॉक दार्जिलिंग सिक्किम, मतलब सिक्किम दार्जिलिंग पूरा हम लोग इस बार जल्द घूमेंगे। तो हमारा टूर सिक्किम दार्जिलिंग का होने वाला है, जो कि मेरी एक ड्रीम, मतलब ड्रीम टूर है कुछ ऐसा समझ लो। तो आज जा ही रहा हूँ फाइनली, और पहली बार ही मैं फ्लाइट पे बैठूंगा। तो आप सभी को एक्सपीरियंस कराएंगे, दिखाएंगे, तो ब्लॉग पर बने रहना। तो अभी हम रेलवे पर, मतलब स्टेशन पर आकर ट्रेन पर बैठ गए हैं, जो कि इंटरसिटी हमारे बरेली से जाती है वो छोड़ेगी हमें। तो इंटरसिटी पे आके बैठ गए हैं। तो जाने वाले हम चार लोग, मामा सक्षम ये खड़ा है, और ये और मैं। तो चलिए चलते हैं और पूरे ब्लॉग्स को एंजॉय करिए, और अच्छे लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करना, फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करना। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं नई दिल्ली, और अभी टाइम हो रहा है 10:30। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं दिल्ली रेलवे स्टेशन, और मेट्रो के लिए जा रहे हैं। मेट्रो पकड़ेंगे और जाएंगे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ का कुछ रेलवे स्टेशन ऐसा बना हुआ है, और देखते हैं तुझे कैसा लग रहा है यहाँ के। अच्छा है, ठीक है, पॉल्यूशन बहुत है। पॉल्यूशन कहाँ है, सही है, बढ़िया है। तेरा एक्सपीरियंस क्या है यहाँ के, कैसा लग रहा है? सही था। बाकी मेट्रो में आने के लिए एक्साइटेड काफी ज्यादा है हम सब। अभी मेट्रो से एयरपोर्ट जाएंगे डायरेक्ट 1D टर्मिनल 1, और फिर वहाँ से फ्लाइट है आफ्टरनून में, और फिर इवनिंग तक पहुँच जाएंगे हम लोग। इवनिंग तक हम पहुँच जाएंगे बागडोगरा से आगे न्यू जलपाईगुड़ी NJP तो जाना है। बागडोगरा पे हम लोग उतरेंगे, डिपार्चर होगा ना। हाँ तो गाइज ये है दिल्ली का मेट्रो स्टेशन, और जाने वाले हैं अंदर मेट्रो लेने के लिए। ये आकांक्षा तो चलिए चलते हैं मेट्रो पे चलते हैं, दिखाते हैं भाई पहली बार हम भी बैठने वाले, बाकी क्या एक्सपीरियंस रहता है वो सब हम आपसे शेयर करेंगे। बाकी लाइक करना, सब्सक्राइब। वो देख, तो कुछ इस प्रकार का है दिल्ली का मेट्रो स्टेशन, देख सकते हैं आप लोग। तो ये कुछ इस तरीके के स्टैचू टांग रखे हैं इन्होंने बड़े बड़े से, और इधर पे कुछ ऐसा ट्रेन है। ये टिकट काउंटर, नीचे आना पड़ेगा सबसे पहले टिकट लेने के लिए। तो ये टिकट काउंटर्स हैं, और यहाँ से मिलता है टिकट, और ये पूरा मैप बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कहाँ के लिए कौन सी ट्रेनें जाती हैं। तो ये पूरा मेट्रो का मैप है, यहाँ पे लिखा होता है कि कौन सी मेट्रो कहाँ पे जाने वाली है, बाकी आप कहाँ के लिए टिकट लेने वाले हो सारा कुछ इसमें लिखा हुआ होता है। दोस्तों अभी हम मेट्रो से उतर चुके हैं, और मैं मेट्रो गेट के सामने ही हूँ दिल्ली एरो सिटी, यहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है। और अभी जाने वाले हैं एयरपोर्ट की, जो बस आने वाली है उसका वेट कर रहे हैं, एयरपोर्ट से आएगी और उससे जाएंगे, एंड फिर उसके बाद प्लेन पे बैठेंगे पहली बार, वो भी आपको दिखाएंगे। तो मेट्रो में तो बैठ ही ली, अब प्लेन में बैठेंगे वो भी दिखाएंगे। तो ब्लॉग पर बने रहना, बाकी अभी चलते हैं आगे फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों एयरपोर्ट की बस आ चुकी है, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन, तो इसी से जाने वाले हैं, यही जाके छोड़ेगी अभी टर्मिनल 1 पे जिस पे हम जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, अभी यहाँ से हमें फ्लाइट लेनी है
2:10 की फ्लाइट है, वो जाएगी बागडोगरा एयरपोर्ट छोड़ेगी, और एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है। मैं काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ। तुझे कैसा लग रहा है यहाँ की? ठीक है, बाकी देख सकते हो एयरपोर्ट काफ़ी बड़ा है और ये अपने बाल ठीक कर रहा है फोटो खिंचाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो फ्रेंड्स एंटर कर गए हैं एयरपोर्ट के अंदर, अभी चेकिंग हुआ था टिकट वगैरह, और कुछ इस तरीके का दिखता है एयरपोर्ट। आपने नहीं देखा वो शायद, क्योंकि मैं भी पहली बार ही आया हूँ। तो दोस्तों अभी हम अंदर बैठे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। अभी हमने लंच किया है, लंच किया है, जो घर से लेके आए थे वो ही किया है। बाहर के खाना से पेट भरेगा भी नहीं, एक्सपेंसिव अगर नहीं भी हो तभी पेट नहीं भरता, पेट घर के खाने से ही भरता है। बाकी मैंने आपको एयरपोर्ट दिखाई दिया है कि कैसा है अंदर से, बाकी अभी फ्लाइट पे चलेंगे तो प्लेन के साथ देखेंगे, फोटो खींचने की कोशिश करते हैं। हाँ पॉसिबल होगा तो ज़रूर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो दोस्तों चेकिंग कर लिया है, बहुत ही बड़ा प्रोसेस था, तगड़ा प्रोसेस था। बस बोर्डिंग करना रह गया है। हाँ बोर्डिंग करना रह गया, बाकी चेकिंग हो गया है। और बहुत ही बड़ा प्रोसेस था, कपड़े तक उतरवा दिए थे और जूते तक उतरवा दिए थे, घड़ी वॉच पर्स बेल्ट सब कुछ बाहर निकलवा दिया था। तो ऐसा प्रोसेस होता है बोर्डिंग में। बाकी अभी हम वहीं पर हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल टर्मिनल पर, और बहुत बड़ी बड़ी महंगी महंगी शॉप से आ गए हैं, तो अभी चलते हैं। तो फ्रेंड्स खाने पीने का यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे कुछ ऐसा फूड प्लाजा है बना हुआ, बहुत सारी शॉप्स हैं, कुछ भी खा सकते हो यहाँ से। तो गाइस ये है प्लेन, ये बहुत सारे खड़े हैं, मतलब कि गिनती नहीं है इनकी कितने खड़े हैं, लेकिन इससे हम जाने वाले हैं, ये स्पाइस जेट का, और इसी से हम अभी जाने वाले हैं। बाकी देख सकते हो भाई कितने सारे फ्लैट मतलब प्लेन खड़े हैं। तो दोस्तों हमारे लिए मिल गई है विंडो सीट फ्लाइट की, ये देख सकते हैं, ये तो हम विंडो सीट पर बैठे हैं और आपके लिए दिखाएंगे प्लेन कैसे उड़ता है, क्या क्या होता है, सब कुछ दिखाएंगे। बाकी अभी यहाँ से देखने का नज़ारा मैं दिखाता हूँ बाहर कैसा लगता है, तो आप देखिए कि बाहर कैसा दिखता है, उसके बाद मैं आपसे जब ये प्लेन चलेगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, उड़ेगा तब भी दिखाऊंगा, बादल भी दिखाऊंगा, जो भी दिखेगा सब कुछ दिखाऊंगा, पहले बाहर का नज़ारा देखिए। तो बाहर का कुछ ऐसा नज़ारा है, शीशा थोड़ा सा गंदा है लेकिन कोई बात नहीं है, इतने में ही एडजस्ट कर लेंगे, मिल गई वही बहुत। बाकी बहुत सारे प्लेन भी खड़े हुए हैं, इतनी महंगी टिकट में एक कप पानी पिलाया है स्पेस जेट रेड हॉट स्पाइसी, एक गिलास पानी इतनी महंगी फ्लाइट में।
तो फ्रेंड्स प्लेन का टॉयलेट होता है वो कुछ ऐसा होता है, एक छोटा सा वॉश बेसिन, टॉयलेट सीट और कुछ नहीं होता है। शीशा लगा है, पेपर निकलता है, तो इतना छोटा टॉयलेट होता है। बाकी मैं आपसे बाल दोबारा जाकर ही मिलता हूँ, ठीक है? जल्दी चलते हैं। फ्रेंड्स हम आ गए हैं बागडोगरा फाइनली, बैग का वेट कर रहे हैं और बैग अभी तक आया नहीं। हमारा लगेज नहीं आया अभी तक, ये चल रहा है, इस पे आने वाला है लेकिन आया नहीं है। और लोग के आ रहे हैं लेकिन हमारा थोड़ा सा लेट है। तो फाइनली दोस्तों बैग आ गया है 10 मिनट के वेट के बाद और ये रहा हमारा लगेज। खींचो खींचो इसको, ये आया। अभी दो बाइक बाकी हैं, आ रहे हैं पीछे से। आ जाएगा, हम बागडोगरा से अभी हैं NJP मतलब न्यू जलपाईगुड़ी, जहाँ पे रेलवे स्टेशन, उसके बगल में गेस्ट हाउस है, 5 दिन के यहाँ पे रुकेंगे। कल यहाँ से टूर हमारा स्टार्ट होगा और ये सब हाथ मुँह धुल के रेडी हो गए हैं, लेकिन मैंने नहीं धुलाया, मेरे सर में दर्द हो रहा है। जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई थी वैसे ही मतलब सर में इतनी तेज़ दर्द होने लगा अचानक से, और कान बंद से होने लगे थे, तो अभी दर्द ख़त्म नहीं हुआ है और ये लेट के आ रहा है। तो अभी हम जाएंगे बाहर, तो आपको NJP रेलवे स्टेशन जो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है वो दिखा देंगे। बाकी मिलते हैं कल अगले दिन नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अच्छे अच्छे जगह घुमाएंगे आपके लिए। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो करो, यूट्यूब पर देख रहे हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तो टेक केयर।